जिस तरह की अराजक की स्थिति राज्य में बनी है, हिंसा की प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसका कारण एक ही है कि पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ती है, निर्दोष लोगों को फंसा करके केस। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर आज कई नेता, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री आज गवर्नर हाउस में गए थे और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वो क्या बातें किए हैं, क्या नहीं किए हैं, इस तमाम वीडियो में आप सुनेंगे। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, पूर्व मंत्री अरुण कुमार, जहानाबाद के सांसद सुरेश शर्मा और बीना सिन्हा, ऐसे कई नेता, सुधीर शर्मा बीजेपी के जो संगठन के काम देखते थे वह भी आए थे, और रजनीश जी और ऐसे कई और पूर्व नेता और मंत्री, तमाम नेता और मंत्री आज रुपेश हत्याकांड को लेकर जो कल खुलासा हुआ है पुलिस को लेकर, उस पर न केवल आम आदमी का वह एक नाटक की तरह लग रहा था, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर ही इन नेताओं ने और नीतीश कुमार और जो अभी वर्तमान डीजीपी हैं एसके सिंघल, इन सभी तमाम लोगों पर ही आरोप और एक प्रकार से कटघरे में खड़ा करते नजर आए ये तमाम नेता, और सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी बीना सिन्हा। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा भी कई बातें बोले हैं। इन तमाम वीडियो के जरिए यह पता चलता है कि रुपेश हत्याकांड में क्या घालमेल है, ये तमाम बातें अभी सुनेंगे आप। राजभवन में हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी और उनको बताया कि साहब पुलिस ने कहा था कि यह संगीन मामला है, तो संगीन मामला यही संगीन मामला है, सेंसिटिव है, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं नाम। बाद में कहा कि कॉन्टैक्ट किलर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए देरी हो रही है और 200 जगहों पर छापामारी हुई, और जो कल रिजल्ट आया वो खोदे पहाड़ निकले चोहिया वाली बात है। जो पुलिस पदाधिकारी थे उनके चेहरे बुझे हुए थे, इतना बड़ा घटना के उद्भेदन के बाद जो पुलिस के चेहरे पर उत्साह और उमंग होना चाहिए था उसका सर्वथा अभाव था। इससे स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं दोषी को बचाने का प्रयास हो रहा है। वर्तमान डीजीपी और मुख्यमंत्री साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान डीजीपी तो एक्सटेंशन पर है, तो उनका तो सारा प्रयास होगा मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने का, न कि अपराधी को पकड़ने का। और मुख्यमंत्री तो बिना उनके इशारे को तो बिहार में कहीं कुछ होता नहीं है। जो भी कार्रवाई पुलिस करती है, प्रशासन करती है, बिना मुख्यमंत्री के तो कुछ होता नहीं है। सारा सरकार का संचालन कोई सचिवालय से नहीं, एक अन्य मार्ग से होता है। आज राजभवन से कई नेता मिलकर आए हैं, उसी में एक सुधीर शर्मा जी हैं, तो अंदर क्या बातचीत हुई होगी सर? राज्यपाल महोदय हम लोगों के तर्क से और मांग से सहमत दिखे, वैसे वे खुल करके कोई चीज़ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए उचित कार्रवाई करता हूँ। देखिए, रुपेश हत्याकांड तो अपने आप में दुखद है ही, जो इतने दिन जांच लंबे प्रक्रिया के बाद जो रहस्य उद्घाटन हुआ वह अपने आप में बहुत ही दुखद है, और बिल्कुल लगता है मैनिपुलेटेड जो है ये जांच हुआ है। और इस काल्पनिक कहानी के जैसा रोड रेस के बाद किसी की हत्या हो जाए, एक डेढ़ महीना के बाद वह चेज करता रहे और वह उसको मार दे, ये बिल्कुल काल्पनिक लगता है। एक ले मैन भी इसको हास्यास्पद तरीके से देखता है, और यह सरकार का और प्रशासन का रवैया अत्यंत दुखद है, और हम लोग इसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने के लिए गवर्नर महोदय से मिलने आए थे। अभी वर्तमान डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? नहीं, हम मांग करेंगे, हम मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री भी सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। राज्यपाल के माध्यम से हम लोगों ने जो मांग किया है, मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। हम जब अगर ये जाँच से बिहार संतुष्ट नहीं है, आम संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। पूर्व सांसद अरुण कुमार जी आज क्या बातचीत हुई अंदर? महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध हम लोगों ने किया है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। ये रोड रेज की जो कहानी गढ़ी गई पुलिस के 22 दिन के अथक प्रयास से, यह एक नाटक था कि मामला डाइजेस्ट हो जाए, दब जाए और तब हम इसको लीपापोती कर दें। हम कहेंगे कि राजनीतिक दबाव में अपराधियों को मत बचाइए, आपके राज में इतनी हत्याएं हो रही है, पुलिस ने अपना साख खो दिया है, बचिए उससे। सर, राज्यपाल से आज मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन किया है कि जो अपराधी को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव में पुलिस काम कर रही है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है राज्यपाल के? उन्होंने कहा मैं मामले को दिखवाऊंगा। मुख्यमंत्री जी तो घिर गए हैं अपराधियों से, घिरे हुए हैं, इनसे कभी उम्मीद नहीं थी, हम लोग तो थे साथ में। ये जिस तरह की अराजक की स्थिति राज्य में बनी है, हिंसा की प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसका कारण एक ही है कि पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ती है, निर्दोष लोगों को फंसा करके केस को रफा दफा कर रहे थे। पूर्व सांसद अरुण कुमार, हम लोग इस हत्याकांड का सीबीआई से जांच करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध किया है,
कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। डीजीपी और मुख्यमंत्री साहब को इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे जा करके, उनको भी हम लोग स्मारक पत्र देंगे जी, मामला की जांच सीबीआई से कराइए। भूपेश सिंह हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल जांच के बाद जिस प्रकार से एक शूटर को यहाँ पर किया गया है, तो हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ हम बने रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। तो आपने सुना होगा इस वीडियो में कि कौन नेता क्या कह रहे हैं, तो अभी के फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। रुपेश हत्याकांड को लेकर जो आपने देखा और जो नेता कह रहे थे, तो वो एक संदेह के घेरे में है और मुख्यमंत्री की शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी के लिए धन्यवाद।